पंजाब में गन्ना के कीमतों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को बड़ी खुशखबरी मिली है। पंजाब सरकार ने गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा की। राज्य में गन्ना किसानों को अब गन्ने के लिए 391 रुपए प्रति क्विंटल रुपए मिलेंगे। इसी के साथ पंजाब देश में सबसे ज्यादा गन्ने की कीमत देने वाला राज्य बन गया है। बता दें, पंजाब में किसानों और सरकार की मीटिंग के बाद राज्य सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया। पंजाब सीएम भगवंत मान ने अपने एक्स अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी। पंजाब के बाद हरियाणा गन्ने का सबसे ज्यादा कीमत देने वाला राज्य है। यहाँ किसानों को 386 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाते हैं। बता दें कि पंजाब के किसान काफी दिनों से सरकार से गन्ने की कीमतों को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पंजाब में गन्ने की प्रति क्विंटल कीमत 380 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 391 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। किसानों को इससे 11 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ पहुंच रहा है। हालांकि पंजाब के किसान 450 रुपए प्रति क्विंटल दाम की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि ये जो 11 रुपए मैं वादा किया है वो शगन के रूप दे विच दित्ता है, तो असी बेनती करते हैं कि शगन तो 21 रुपए का भी होंदा है, जे 21 रुपए वादा कर देते तो वो ज्यादा वधिया होंदा। शगन तो 51 रुपए का भी होंदा। मुख्यमंत्री साहब ने सब तो घट जो शगन है 11 रुपए का अनाउंस किया। सो मेरी बेनती है कि जे 21 रुपए कर देने तो बड़ा वधिया शगन होगा। देखो, गन्ना एक एहो जी फसल है जिहड़ा झोने का मुख बदल आ। एक पासे तां सरकार केंद्र सरकार जां स्टेट सरकार दा जोर लगा वी पोल्यूशन घट होवे, झोने दा रकबा जिहड़ा पंजाब च घट होवे, पर जे इसे तरह ना मात्र गन्ने दा रेट बधूगा, किसान नूं मजबूर होके यह बदल जिहड़ा अपना छड के उह रवायती खेती जिहड़ी कणक झोने दी आ उहनूं जिहड़ा दुबारा उधर जाणा पऊगा। इस करके असीं सीएम साहब नूं बेनती करदे आ अपनी दरियादिली दिखाउण। जिहड़ा इह गन्ने दा रेट आ, जे रस्मी ऐलान उहनीं कल करना। देखो, किसान आगूआं ते परचे वी हो गए, असी चार दिन सड़कां ते सारिआं ने धरने भी किसानां ने ला लए, और सरकारां दी बदौलत चार दिन जिहड़ी साडी आम जनता उह वी कचल गवार होई आ। वहीं इस विषय पर बोलते हुए बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि राज्य सरकार का झूठ का पोल खुल गया है, सरकार से लोगों का विश्वास ही उठ गया है। जी, गन्ने की कीमत सरकार ने 11 रुपए बढ़ा दी गल, किसान विरोध कर रहे, कहते रेट ज्यादा बढ़ना चाहिए सी। देखो जी, जो बताया है इन्होंने कि उस गल से पूरे उतरनगे या इलेक्शन के मद्देनजर इस किस्म के जो वादे कर रखे है, क्योंकि वादे तो इन्होंने पहले भी बहुत सारे किए हैं। मिल्स के नाल बैठ के प्राइवेट मिल का अजे भी बकाया पे है। सरकार की जी फाइनैशियल कंडीशन है देखते हुए किस तरह अपने इन्होंने वादों के उत्ते पूरे उतरनगे, क्योंकि इस सरकार की झूठते की पोल हर कदम से सामने आई है। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करती जिदा कि कोई अजे अता पता ही नहीं, जेडे 1000 रुपये देने का प्रोमिस किया भी कितने नहीं, वह भी लोगों के अंदर इसे तरह कोई ना कोई कट्ठा पाएंगे। बता दे कि गन्ने की रेट को बढ़ाने को लेकर 21 नवंबर से पंजाब के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों के धरना प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक प्रभावित हो रहा था। हालांकि 25 नवंबर को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात कर गन्ने की कीमत बढ़ाने का आश्वासन दिया था। पंजाब सीएम द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद ही किसानों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था।